सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय अदर व्लॉग। आयो भाई सब बढ़िया होंगे। और भाई आज आया मैं गांव के बगीचे में, हिडन गार्डन में थोड़ा पेड़ पौधे लगाते हैं और करते आगे। हेलो गाइज, आज आपका स्वागत है हमारे न्यू व्लॉग में। आज गांव है तेज आवाज बोल भाई। पौधा जो है ना, ये अर्जुन का पौधा है। तो अर्जुन का पौधा है जो हार्ट का पेशेंट, उसमें बहुत फायदा करता है। हार्ट के रोगी को लिए अर्जुन की छाल और दालचीनी का पाउडर बना के एक एक ग्राम डाल के पानी में उबाल के पिए। अगर सप्ताह में एक बार भी पिएगा तो उसके हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, हार्ट पेशेंट के लिए बहुत बढ़िया है। पेशेंट के लिए ये बहुत बढ़िया काम करता है दवाई। दादा भी रोज पीते हैं इनको। हाँ, हफ्ते में पियो तो भी बहुत बढ़िया। पीना चाहिए, नियम बना लेना चाहिए। हाँ, और अभी पौधा रोपण कर रहे हैं हमने, जैसे अर्जुन के पौधे लगाए हैं, आम के भी लगा दिए, किलकन के, नीम के, पीपल के, बहुत सारे पौधे लगा रखे हैं। तो इनसे जो है वातावरण जो है अपना शुद्ध रहेगा। हाँ, अच्छी ऑक्सीजन आएगी, टेम्परेचर डाउन रहेगा। ये पौधे बहुत से लगा रखे, उस साइड भी लगा रखे हैं पूरे गांव में। मतलब पौधे पौधे, गांव का नाम ही बनी पूरे तो बनी तो होगी ना। दादा ये वाला और बताओ। हेलो, ये दादा बात कर रहे हैं, हम सभी भाई आए थे। भाई नितिन, आज गाइज हमने इतने घने पौधे लगा दिए, इतने घने पौधे लगा दिए, किसी ने सोची ना होगी। बताइए नहीं गाइज, जो लगे लगाए पौधे थे उनकी सफाई की है। हाँ, और कम से कम 70 पौधे लगाए हैं हमने लाइन के अंदर। अभी अलग अलग सारे पौधे लगा रखे हैं। और ये देखिए गाइज, ये बनीपुर गांव है हमारा, और यहाँ पे अभी बहुत बड़ा स्टेडियम तैयार हो रखा है। अभी काम चला हुआ है इसका, देखिए। यहाँ पे ट्रैक बनेगा और इस साइड है ना, वो वॉक करने की टाइल वाइल लगाई जाएगी। देखिए बहुत बड़ा ग्राउंड है। अभी उस साइड आगे तक थोड़ी घास लगा दी गई, देखो आपको पानी वानी दिख रहा होगा। अभी काम चल रहा है, बड़ी बड़ी लाइटें लगेंगी, मतलब बहुत बढ़िया ग्राउंड कर देंगे, एक नंबर, जो कि हमारे आसपास के गाँव में कहीं पर भी नहीं है, पहला ऐसा ग्राउंड होगा। बताइए भाई अपने ग्राउंड के बारे में एक दो बात। ग्राउंड बात गाइस, ये देखो यहाँ से पानी जाता है सभी। ये गाइस पानी वाणी का स्रोत है, यहाँ से सब कहीं पे पानी जाता है, पौधों में, पेड़ पौधों। उस साइड भी लगा रखा है पानी का सिस्टम बहुत ज्यादा। फूल और कांटे आपने कभी देखे नहीं होंगे। देखिए बेर भी लगने शुरू हो गए। बेर भी मौसम नहीं है, पर हमारे यहाँ पे बहुत जल्दी शुरू हो जाते हैं। हाँ, हम ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं ना, इसलिए देखिएगा। इस साइड क्या नाम है गांव का, प्राइवेट नदी, सारा पानी जाता है, बिल्कुल नदी इसी बनी हुई है, छोटी नदी। और देखिए आपको दिख रहा हो तो थोड़ी सी दूर वहाँ पे भी बहुत ज्यादा पार्क वार्क है। और ये फेमस मंदिर आसपास के जितने भी गांव के लोग हैं यहाँ पे आते हैं हर मंगलवार, हर शनिवार, और एक शनिदेव मंदिर भी है। बहुत दूर दूर से आते हैं। हर अगस्त अमावस्या को यहाँ पे मेला भरता है। तो गाइस अगले या उससे अगले महीने में मेले का प्रोग्राम, हाँ मेले का प्रोग्राम शुरू होगा। आप सभी आइए, सबको आदर निमंत्रण है। उधर देखिए हमारे गांव के कुछ बड़े गाइस, यही है हमारे गांव के कमेटी के मेंबर जो गांव को सदा साफ सुथरा रखते हैं और अपने हर काम को बहुत अच्छे तरीके से पूरे करते हैं। कौन सा पेड़ दादे हो? पिपल को। अच्छा, पिपल का पेड़। बता दो तो दादे एक दो पेड़ के बारे में। और आप ही बताओ दादा, तुम्हें बताते हैं हम त्रिवेणी के बारे में। आ जाओ। अच्छा, देख त्रिवेणी पेड़ के बारे में बता रहे, मैंने कभी देखा नहीं, आज मैं भी पहली बार देख रहा हूँ। बाबा बताएंगे इनके बारे में। त्रिवेणी लगा रखी हमने, ये लगाई थी 2 साल पहले, ठीक है ना। अब जुलाई में इसको 2 साल पूरे हो जाएंगे। अच्छा, त्रिवेणी का मतलब है ब्रह्मा विष्णु महेश, इनमें तीनों जो देवता है उनका वास होता है। अच्छा, और ये जो है बृहस्पतिवार को लगाई जाती है। बृहस्पतिवार, तो इनकी जब जड़ें आपस में मिल जाएंगी ना, तो जो ये शुद्ध हवा देंगे ना, वो एक दवाई के रूप में काम करेगी। अच्छा, इतनी शुद्ध हवा बनती है इनकी, इसलिए त्रिवेणी लगाई जाती है। साथ साथ में इनकी जड़ें आपस में मिल जाएंगी, सारी जड़ें मिलकर सब में एक ही हो जाएगा। त्रिवेणी का बहुत महत्व है। बहुत ज्यादा त्रिवेणी अपने जीवन में, इंसान को अगर
समय मिले तो एक त्रिवेणी तो लगानी ही चाहिए। बिल्कुल लगानी चाहिए, ठीक है भाई। पेड़ लगाना धर्म का काम, हर हफ्ते एक पेड़ लगा दिया करो। लगाने लगाने नहीं, अगर पेड़ लगाओ ची लगाओ आप दो ची लगाओ एक, लेकिन उसका निश्चय कर लो भाई इनकी देख रेख मैंने करनी है। पेड़ लगाने से कुछ नहीं, पेड़ लगा के भूल गए। हाँ सही बात है, पेड़ लगाओ देख रेख। तो लगा दो एक एक जाकर अपने घर, या और लगा दो। प्रोग्राम करेंगे ना, हमारा प्रोग्राम हम फिर करेंगे पंचायत में। अच्छा, पौधा लगाएंगे तो तुमने सबने एक एक पेड़ अपने हाथों से लगाना है, उसका निश्चय करना है। अगर हम इसकी देख रेख हम अपने आप करेंगे, बिल्कुल उसमें नलाई करनी है, गुडाई पानी देना है। एक पेड़, अच्छा एक पेड़ एक जिंदगी। बिल्कुल सही बात है, ठीक है जी। आप सभी से दरख्वास्त है कि आप भी अपने घर पे या जहाँ पे बहुत लोग आते जाते हैं ना हो, ऐसी जगह पे पेड़ वेड़ लगाएं। अपने हर जीवन में एक बार एक पेड़ तो जरूर लगाइए और उसकी अच्छे से देख रेख करिए, जो कि दादा ने बताया अभी। और गाइज आज आपको और दिखाते हैं, और दिखाते हैं। तो ये हमारे गांव की जो है धर्मशाला है, उसका बैक साइड एरिया है। यहाँ पे भी देखो ये गाइस, हमारे यहाँ पे भी अलग अलग तरीके के बहुत ज़्यादा पेड़ लगाए जा रहे हैं हर जगह देखो। और ये तो कुछ नहीं है, हमारे वहाँ पे अमरनाथ वाटिका, अमरनाथ वाटिका, गणेश वाटिका, शंकरनाथ की वाटिका बनाई हुई है। कम से कम 3-4 वाटिका बनाई गई है और सब में अच्छी तरीके से पेड़ लगाए गए हैं। तो गाइज ये गाइज अमरूद के, किसी का जामुन के, और बेलगिरी भी है, और वो भी है, मौसमी भी लगी हुई है, अनार अनार भी है। तो गाइज इन पेड़ों का क्रेडिट हम खुद नहीं ले सकते क्योंकि ये हमने नहीं लगाए हैं। हाँ। ये हमारे गांव के बहुत ही दो मेहनती जो अभी वो दादा थे उन्होंने लगाए थे। ये 4 आज में जो कि गांव के सारे पेड़ पौधे लगा रहे हैं और सब कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। सॉरी सॉरी, वो अलग है ना दो। हाँ वो शर्मा जी लगाए थे, दो बिड्डू अंकल। हाँ एक बिड्डू अंकल, एक किरसन अंकल, जो कि इनके घरों में आते हैं। चलो आज आपको 2-3 वाटिका और दिखाते हैं मंदिर की साइड। देखिए सब कहाँ पे पेड़ वेड़ लगा रखे हैं। और आज से हमने भी निश्चय किया है कि हम भी हर हफ्ते एक ना एक पेड़ लगाएंगे और उसकी अच्छे से देख रेख करेंगे। ये यहाँ पे हर जगह कंस्ट्रक्शन होता रहता है, हमारे गांव में कुछ ना कुछ तो बनता ही रहता है। पब्लिक हाँ आ गए थे, 4 नवर साहब थे दादाजी, ये जाने लग रहे हैं। यहाँ पे देखिए गाइस, वहाँ पे हमारे एक बहुत बड़ा तालाब है बाबा अमरनाथ गणेश नाथ के नाम से, जहाँ पे हर रोज बहुत ज्यादा बच्चे बड़े आदमी नहाने के लिए आते हैं। देखिए नहाने के लिए जा रहे हैं। ये हमारे गांव का सरकारी स्कूल है, यहाँ पर हर तरीके की सुविधाएं हैं। कॉमर्स, बॉक्सिंग, कॉमर्स की और नॉन मेडिकल, मेडिकल साइंस जो कुछ लेनी है सब कुछ स्ट्रीम यहाँ पे लगाई जा। बॉक्सिंग का बहुत अलग अलग खेलों का बढ़िया से कोच वोच लगा रखे हैं और एक नंबर काम कर रखे हैं। देखो भाई नाना क्या रखे हैं। आ जाओ गाइस आपको एक खौफनाक नजारा दिखाते हैं। जो स्कूल है इसमें बॉक्सिंग का कैंट और हर खेल के एक एक कोच छोड़ रखे हैं। इसमें हमारे गांव की कई लड़कियां नेशनल इंटरनेशनल खेल के आई हुई हैं और जीत के भी आई हैं। चलो आइए हमारे गांव का तालाब दिखाते हैं आपको। ये देखिए ये कम से कम 25 फुट ऊंडा है। जितनी गांव में सुविधा है उतने ही गांव के लोग खतरनाक भी है। यहाँ से बच्चे कूद जाते, बच्चे यहाँ से यहाँ से कूद जाते। लगभग हमारे गांव के 90% बच्चों को तैरना आ चुका है और अच्छे से। बताइए भाई ये भाई तैरना सिखाएंगे, लेकिन आपने हमारे अंदर थोड़ा जोश जगा दिया। तो आपको देखिए वो बच्चे नहा रहे हैं, मतलब यहाँ पे बच्चे आते रहते हैं पूरे दिन नहाते हैं। तो चलिए गाइस आपको तैरना सिखाते हैं। देखिए ये हमारे गांव का मंदिर है, यहाँ पे हर साल हर दिन हर वक्त श्रद्धालु आते रहते हैं और भगवान आशीर्वाद लेके जाते हैं। ये भाई अभी नहाने के लिए कूद रहे हैं, देखना दिखाएंगे आपको। और ये बहुत बड़ा हमारा पीपल का पेड़ है, यहाँ से कई बच्चे तो इसके ऊपर से चढ़ चढ़ के कूद जाते हैं। हमारे बच्चे थोड़ा पता नहीं है ये बड़ का पेड़ है। बड़ का सॉरी गाइस ये तो बड़ का पेड़ है। चल भाई देखिए ये बाबा गणेश नाथ की वाटिका और वो वाली बाबा अमरनाथ की वाटिका और एक इससे पीछे हो रहा है जो बाबा शंकरनाथ की वाटिका है।
ठीक है, अब ये पूछ रहे हैं भाई, अब हम भी जाएंगे नहाने के लिए थोड़ी देर में। हाँ ये कूदने वाला है, ये भाई आ चुके हैं, हम भी नहाने के लिए जाएंगे वहाँ पे। ठीक है अब हम भी कूद रहे हैं यहाँ से। ले भाई पकड़ कैमरा का, मैं संभाल ला फोन दे दो तेरो ले का ही फोन ले रहा हाई फोन 15 देख लो भाई गाइस देख लो ये देख लो टूटे फूटे फोन फिर इससे की थी आज इस पे आ गए हैं, फिर इस पे की थी अभी हाथ में है 14 पे आ गए। देख लियो क्या लगती अपना कपड़ा ठा लियो ले पकड़ी मजा आ रहा। अरे मोहित सो गाइस अभी करते व्लॉग एंडिंग, और भाई आपको व्लॉग बढ़िया लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें।